राज्य सरकार की ओर से बढ़ती आरक्षण को लेकर निकाला गया जीआर पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसका पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी पुरजोर से विरोध करती है। ऐसी जानकारी प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में जोगिंद्र कवाड़े इन्होंने दी है। इस मौके पर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भी कई सरकारी दफ्तरों में अनुसूचित जाति जनजाति भटकी विमुक्त भटकी जनजाति वर्ग के कई लोग सरकारी कार्यालयों में सभी पद पर काम कर रहे हैं। बढ़ती को लेकर हमेशा ही सभी सरकारी आरक्षण मामलों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं देती है। हाल ही में तारीख 7 मई 2021 को बढ़ती आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक जीआर निकाला गया है, जिसमें बढ़ती आरक्षण को सिरे से नकारा जा रहा है। एक बढ़ती आरक्षण को लेकर जीआर निकाला गया है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसको हमारी पार्टी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर एवं पूर्व सांसद जोगिंद्र कवाड़े इन्होंने दी है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राज्य सरकार द्वारा 7 मई 2021 को जो एक जीआर निकाला था, जो पदोन्नति को लेकर वो काला जीआर, ऐसा कहना है पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंद्र कवाड़े हमारे साथ में इस समय में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये पता कि जिस तरह से आपने ये जो एक बात कही है कि राज्य सरकार का ये जो जीआर है काला जीआर है, तो ये काला जीआर कैसे हुआ? कि महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में कानून बनाया था, आरक्षण के बारे में कानून बना था, 2004 में लागू किया गया। उस कानून के अंदर में भी, कानून के तहत पिछड़े वर्गों के पदोन्नति के आरक्षण को 33% लागू किया गया था। इसके बावजूद, ये कानून होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के जीएडी ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 मई 2021 को ये जीआर निकाल कर ये पदोन्नति में पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण था उसको रद्द करने की घोषित किया है। ये वो अफसोसनाक बात है। हम फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली सरकार कहते हैं, प्रगतिशील सरकार कहते हैं, उद्धव जी के सरकार में सरकार बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कोरोना का मुकाबला कर रही है। जब कोरोना का मुकाबला करके मरते हुए लोगों को बचा रही है, तो पिछड़े वर्गों के लोगों को इस प्रकार से अन्याय करने का क्या प्रावधान है, मुझे समझ नहीं आता। हमारे पूरा कोशिश यह है कि ये जो काला कानून 7 मई 2021 को पदोन्नति में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को रद्द करने का जो कानून बना है, जो जीआर निकाला, आदेश निकाला, शासनादेश निकला है, उसको उद्धव ठाकरे जी की सरकार ताबड़तोड़ रद्द कर दे और फिर से पदोन्नति में पिछड़े वर्गों का आरक्षण बहाल करे, यही हमारी मांग है। चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, जमाती हो, इसके लिए आरक्षण को लेकर कई बार बातें होती रहती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कई ऐसी पार्टियां इस देश में कामकाज कर रही है, मगर उनके जो नेता लोग हैं वो एक मंच पे नहीं आते। जदीप, ये बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि आरक्षण को लेकर सब अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, मगर एक मंच पे कोई नेता आता नहीं, क्या यही कामकाज होता है? देखिए कैसा है, आरक्षण का ये जो मुद्दा है, अभी कल परसों मराठा आरक्षण की बात हुई, तब भी मुझे, मेरे जानकारी के अनुसार कितने मराठा नेता इस आंदोलन में शामिल हुए ये पता नहीं, बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाली हमारी पार्टी जो है आदरणीय कवाड़े सर के नेतृत्व में, हमने महाराष्ट्र भर आंदोलन किया, मराठा आरक्षण की भी हमने मांग की, और आज देखते हैं हम लोग पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और हमारी रिपब्लिकन पार्टी की जो सरकार है, आज इस सरकार के हम प्रमुख घटक पक्ष है, पार्टी है, और यह सब होते हुए आज हम देख रहे हैं कि सरकार इस तरीके का कदम उठाती है, ये शर्मनाक है। और आपके माध्यम से, बीसीएम न्यूज़ के माध्यम से, मैं इस महाराष्ट्र की सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको कहा है कि आप शासन करती जमात बनिए, लेकिन इस तरीके की अगर पिछड़े वर्ग का आरक्षण हटाने की बात अगर ये सरकार करती होगी, तो हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को ये फैसला करना पड़ेगा कि अब हमें ऐसे महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहना चाहिए कि नहीं, आरक्षण विरोधी सरकार के साथ रहना चाहिए कि नहीं, अब ये हमारे पार्टी के सोचने का समय आ गया है। सर, ये बताइए कि यदि आपके मांगों को दरकिनार कर देते हैं, आपकी अगली रणनीति क्या होगी, किस प्रकार की रणनीति? अगली रणनीति हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ये होगी कि हम महाराष्ट्र में किसी भी मंत्री को, महाविकास आघाड़ी के किसी भी मंत्री को हम महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे, और जो जो जिले में जो जो मंत्री रहता है, उस मंत्री के घर के निवास स्थान के सामने, शासकीय निवास स्थान के सामने हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी मुंडन आंदोलन करेगी।
एक अलग किस्म का आंदोलन करेगी, मुंडन आंदोलन करेगी, और ये मुंडन आंदोलन के निकले हुए बाल हम मंत्री को सप्रेम भेंट देंगे। ये हमारे पार्टी का आंदोलन रहेगा। तो इस प्रकार का ये आंदोलन रहेगा। इसी बात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े हमारे साथ थे, उन्होंने ये बात कही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके बातों को किस तरह से ध्यान में रखती है या दरकिनार करती है, ये तो आने वाला समय होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से राजनीति जो गर्मा गई है उससे कहीं ना कहीं एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कार्यकाल जारी है तो ऐसे में आरक्षण की बात भी कोरोना से कम नहीं है। अब कोरोना का तो वैक्सीन मिल जाएगा, क्या आरक्षण का भी वैक्सीन मिल जाएगा, एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।